सब लोग आने जाने वाले मेरे खेती के साइड से बोलते थे कि वो क्या कर रहा है, आप कितने बार लगाए, कितने बार। मेरा यही तरीका है, जिसके पीछे लगेगा उसका सक्सेस करके ही छोड़ देगा उसको। बैंगन और कोई तरकारी पीक लेना है, फसल लेना है, तो पहली बार उसको मल्चिंग क्या है, मल्चिंग का मतलब अच्छी देखभाल उसको होना चाहिए ना। सभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम आए हैं विलास गायकवाड़ सर के पास। नमस्कार सर। नमस्कार सर के पास आज हम लोग फिर से आए हैं क्योंकि इनको जो है रेशम खेती के साथ साथ बैंगन का खेती का भी काफ़ी अनुभव है। दोस्तों इनका रेशम का खेती का जो वीडियो है सिल्क फार्मिंग का, हमारे चैनल पे आप जाके देखिए वो कैसे होती है, उसके हम लोग सीरीज़ भी बनाने वाले हैं, बना रहे हैं। और उसके साथ दोस्तों आज हम बैंगन की खेती यहाँ पे देख सकते हैं। 1 एकड़ का पूरा प्लॉट है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा प्लॉट है, बहुत ही इतने बारिश में हेल्दी प्लॉट है दोस्तों। तो आज हम इनसे जानने वाले हैं कि एक्चुअली बैंगन की खेती आप स्टार्ट कैसा किया और उसके बाद आप मार्केटिंग कैसा करते हैं, बैंगन के ऊपर कौन से डिसीज आते हैं, पानी कैसे देते हैं और मल्चिंग पेपर वगैरह कैसे क्यों बिछाया है। तो पूरी आज डिटेल हमें आज हम बात करने वाले हैं सर से। तो सर आप हमें ये बताइए, आपने ये बैंगन लगाया तो कब लगाया ये बैंगन? बैंगन जुलाई एंड तक लगाया। अच्छा, जुलाई में आपने इसको बैंगन लगाया था। लगाया। तो ये आप जो बैंगन लगाने वाले थे, आपने इसकी नर्सरी तैयार की कि बीज लगाया था? नर्सरी तैयार की। नर्सरी तैयार की हाँ। थी। ये कौन सी वैरायटी है? ये 1093 वैरायटी। अच्छा, 1093 वैरायटी। इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटी के हमारे किसान भाई लगा सकते हैं? मैको 4 है जी, और पंचगंगा है, अच्छी वैरायटी है वो, लेकिन उसको पीछे जो फल है ना उसके पीछे कांटे बहुत है जी, और वो का माल तैयार होकर निकलने वक्त तो हमारे हाथ में बहुत कांटे लगते हैं, इसकी वजह से हम ये बंद कर दिया। और ये बगैर कांटे का वो बैंगन है, बगैर कांटे का बैंगन है। काट तोड़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से आता है, काटा में आता है उसको, काटा बेटा कुछ नहीं, उसके नीचे नहीं देखा और तोड़ दिया तो कुछ नहीं हो, प्रॉब्लम होता। तो हमें ये बताइए, ये जो बैंगन है जैसे कि ये देख सकते हैं, इसमें काफी सारे बैंगन आते हैं जैसे कि बहुत सारे वैरायटी है, वो भरता करने के लिए एक बड़ा वाला आता है। हाँ, ये भरते के लिए ये वैरायटी जो बच गए पीछे वो 4 दिन के बाद बड़ा होता है, ये भरित होता है, इसी का हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसा। तो दोस्तों काफ़ी सारे वैरायटी है अपने भारत में, ये कहाँ कहाँ बैंगन ले सकते हैं इसको? जिधर अच्छी तरह से पानी है खेती के लिए जी जी, और ड्राई एरिया रहता है, उस ड्राई एरिया में अच्छी तरह से जब बारिश जा जगह ज़्यादा होता है उस थोड़ा ग्रिप कम रहती है, उत्पादन कम निकलता है, इसके लिए जी जी अच्छे खेती चाहिए, नेचुरल होने के लिए अच्छी जगह चाहिए मतलब अच्छी। और इसमें जमीन लगभग कैसी चाहिए आपके हिसाब से? जमीन कोई भी चल सकता है, जमीन का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जो सेंद्रीय सेन खत और रासायनिक खत ये अच्छी तरह से डालना चाहिए जमीन में, तब तक ये बैंगन ऐसी तरह फूलता है, इतने बढ़िया फूलता है, मतलब गोबर का खाद हुआ, ऑर्गेनिक कार्बन हुआ, ये सब अच्छे से उसको जमीन में डालना चाहिए। और बैंगन को मेरे हिसाब से पीएच लेवल 6 से 7 के हिसाब से 6 से 7 चाहिए, 6 से 7 चाहिए। हाँ, पीएच का काफी मैंने भी स्टडी किया है दोस्तों, पीएच का एक वीडियो भी है हम लोगों ने बनाया, वो चैनल पे आप जाके। सभी फसल आप खेती में जमीन में लेते हैं ना, उसके पहले जमीन माटी परीक्षण है ना, सॉइल टेस्ट जी जी वो करना चाहिए, उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा दिखता है। मतलब सॉइल टेस्ट करे वो मैं भी हमेशा कहता रहा कि दोस्तों सॉइल टेस्ट करो, टेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए कि सॉइल टेस्ट क्या है। फार्मिंग का खर्चा है ना वो बहुत है, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जी वो कम रहते है, जो उसके ऊपर व्यापार करा है वो दुगना रेट से बेचता है लेकिन फार्मर को नहीं देता, इसके वजह से सब वो पीएच टेस्ट करना, सॉइल टेस्ट करना, वाटर टेस्ट करना, सब फार्मर है ना वो पीछे रहते, ये कर नहीं पाता। हाँ, ये कर नहीं पाता। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इसमें अभी कह रहे थे कि लगाने जा रहे थे मिर्ची और लगा दिया बैंगन। पहली बार मेरा मैंने मिर्ची का स्टडी किया था जी, और मैंने सब मिर्ची के लिए बनाया, लेकिन गोगले गाय ने 3 बार मिर्ची लगाई वो नहीं बचाया हमको, अच्छा खा लिया। लेकिन मेरा ये तरीका था कि सेंद्रीय स्टाइल में गोगल गाय को कंट्रोल करने का जी, लेकिन मैं बहुत सारा ट्राई किया लेकिन मैं फ्लॉप हो गया जी। और बाद में मैं रासायनिक गोगल गाय का स्नेल की लाइन है, हाँ, स्नेल की वो उसका यूज किया, और बाद में मेरा मिर्ची का 3 बार फसल फ्लॉप हो गया, गोगल गाय ने ले लिया जी। बाद में फिर मैंने झेंडू लगाया जी, 2 महीने में पैसा मिलता है, झेंडू भी गोगल गाय ने खा लिया, और लास्ट में
बैंगन लगाया, बैंगन लगाया, बैंगन भी 3 बार लगाया। अरे बाप रे, इसमें 3 बार आपने बैंगन लगाया। और सब लोग आने जाने वाले मेरे खेती के साइड से बोलते थे कि वो क्या कर रहे हैं आप, कितने बार लगाए, कितने बार कितना खर्चा कर रहे हैं। फिर भी मैंने फ्लॉप नहीं होगा, मैं मेरा यही तरह का है, जिसके पीछे लगे उसका सक्सेस करके ही छोड़ देगा उसको। ऐसा पीछे उसका पीछा नहीं छोड़ा, छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं, छोड़ दिया तो छेड़ना नहीं, इसी तरीके से है। तो एक चीज बताइए, आपने जब इसको स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने जमीन को कैसे मैनेज किया और क्या किया, वो स्टार्ट से हमको बताइए। हाँ, बैंगन और कोई तरकारी पीक लेना है, फसल लेना है, तो पहली बार उसको 1 से 2 महीना धूप से अच्छी तरह से हीट होना चाहिए। जी जी जी। बाद में ये फसल अच्छा आता है, नहीं तो आप पहला फसल निकल दिया और दूसरा डाल दिया, ऐसा खेती अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से हमें 2 महीने धूप में रख दिया ट्रैक्टर से मशागत करके। जी जी। और उसको हमारे बाजू के फैक्ट्री का जो कंपोस्ट प्रोजेक्ट है जी जी। उसमें जो जो पानी निकलता है जी। वो पानी हमारे सस्ते मिलता है। अच्छा। जब हमें सेंद्रिय गोबर डालेगा तो उसको 10-20 हजार रुपये खर्चा आएगा। वो हमें वो वाटर है जी। जो बाहर निकलता है वो वाटर हमने खेती में डाला 10-12 टैंकर। अच्छा। वो 10-12 टैंकर का इतना बड़ा ऑर्गेनिक कर्व इसमें रिजल्ट बढ़ गया आ गई आपकी। और मैंने हर बार ऐसा करता है कि बैंगन लगाने से पहले वो डालता है। हम आप खेत बना दिया, सपाट हो गया, रोटर वोटर चला दिया, उसके बाद बेड प्रिपरेशन कैसे, कितना बेड में? हाँ, बेड प्रिपरेशन 4.5 फुट का, उसके उससे पहले रासायनिक जोड़ों से NPK माइक्रोनूट और 2M का वो डाल दिया, और बाद में ट्रैक्टर ने बेड बना दिया। ट्रैक्टर से आपने पावर टिलर से बेड बना दिया। मतलब आपका तो ये 4.5 फीट का रो बाय अंतर है, लेकिन बैंगन के लिए कितना रहना चाहिए? बैंगन के लिए 6-7 फुट रहना चाहिए दूरी, लाइन लाइन की दूरी, दो लाइन। और पौधे की दूरी? दो से ढाई फीट पौधे की दूरी रहना चाहिए। तो उसके बाद आपने बेड मार दिया, उसके बाद आपने ये मल्चिंग बिछाया। तो मल्चिंग क्यों बिछाया ये भी बताइए आप। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग का मतलब उसका जो तन आता है खरपतवार। हाँ, खरपतवार जो आता है वो उसका जो खर्च खरपतवार के लिए लगता है उससे कम मल्चिंग के लिए आता है। और उसके जो डाल दिया ऊपर से जमीन के अंदर कर्ब बढ़ जाता है ऑर्गेनिक कर्ब, और इससे ज्यादा फायदा। इस साल 20-30 साल बारिश नहीं हुआ, इतना बारिश इस साल में हो गया है, बहुत तगड़ी। और हमारे आजू बाजू का कोई भी जो फसल है वो नहीं बचा बारिश की वजह से, इतना अच्छा। बारिश हो गया, लेकिन मल्चिंग से वजह से मैं बच गया इस फसल से। मल्चिंग की वजह से तो ये फसल पूरा फ्लॉप होता, मल्चिंग नहीं होता तो नहीं रहता था, नहीं रहता। इतना पानी है मेरे जमीन में, 1 फुट में खड्डा डाल निकला ना तो पानी निकलता है, इतना पानी जमीन में है, लेकिन ये मल्चिंग से वजह से बच गया। और मैं इससे मेरे कंडीशन आगे बढ़ रही है। अच्छा। नहीं तो मैं फ्लॉप होता था, 30 हजार खर्च किया आज तक। अरे बाप रे, कितना, 1 एकड़ में 30 हजार? 20 बीघा से ड्रिप मल्चिंग और लेबर और प्लांटेशन का पौधे का खर्चा। एक पौधा आपको कितने का मिला? ये एक पौधा 70 पैसे ऐसे पैसे से मिलता है, 70 पैसों का आपको 10-93 का ये मिला। हाँ, 10-93। दोस्तों, अगर आपको ये पौधा अगर आपके पास नहीं भी मिल रहा है, आप कहीं से सीड अवेलेबल करके आप ट्रे में नर्सरी बना के लगा सकते हैं आप आसानी से। और इसमें आपने ड्रिप इरीगेशन भी बिछाया अंदर, इसके बिछाया अंदर। तो आपने इस पौधे को जब लगाया, हाँ, सबसे फर्स्ट स्टेज में आपने इतना अच्छा ये प्लॉट है, क्या किया उसको जो ग्रोथ अच्छी? सबसे पहले लगाने से पहले लगाया है पौधा, उसके बाद ड्रिप में ह्यूमिक एसिड और बायोस्टिन का मिक्सचर है ना, वो ड्रिप से छोड़ दिया। हाँ, आलू ने वो क्यों दिया? वो लगाने से पहले। अच्छा, लगाने से? हाँ, लगाने के बाद पहले ड्रिप से दिया आपने, ड्रेंचिंग दिया। हाँ। और बाद में 12-61 ह्यूमिक एसिड कंटिन्यू 8-10 दिन के बाद आप देते रहे। मतलब जो ये 12-61 हुआ, 0-52-34 हुआ, हाँ, आप इसको कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा देते गए, देते गए। और आप इसको जो है स्प्रे क्या देते हैं इसको ऊपर से? स्प्रे जो ड्रिप से रहता है वही स्प्रे मैं ऊपर से भी करता हूँ, करता है, क्योंकि ड्रिप से ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो नीचे न्यूट्रल हो जाता है, इसकी वजह से ऊपर से भी रख दिया जी। नहीं तो इतना बारिश हो, बारिश की वजह से वो पानी के साथ नीचे निकल जाता है, इसके लिए मैंने ऊपर से भी 12-61 0-52-34 माइक्रोन्यूट्रेट ये स्प्रे दे दिया।
और जो कीटकनाशक है जी, कीटकनाशक भी स्प्रे कर देते, ऊपर से देते हैं, ऊपर से। तो मैंने इसमें बैंगन में देखा है कि ज्यादातर फ्रूट बोरर आता है जो फसल इसमें फल में छेद करता छेद है, कर रहे हो। और एक जो आता है शूट बोरर आता है, मतलब जो जहाँ से शूट निकल रहा है वहाँ से खाता है। इसके लिए आप क्या स्प्रे देते हैं? इसके लिए लार्विन का स्प्रे अच्छा होता है, और काइट है, काइट है नुआन के साथ, काइट भी अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। और कोराजिन का भी यूज किया, लेकिन कोराजिन का रिजल्ट नहीं रहा। अभी तक इसमें कितना माल निकला आपका? अभी तक हफ्ते में 400-500 के जी निकलता है। और ये फसल कितने दिन की है टोटल? ये फसल 90 दिन के है, 90 दिन के टोटल। बारिश की वजह से वो लेट शुरू हो गई। और कितना दिन, इतने इसमें माल निकलना चाहिए एक एकड़ में? एक एकड़ में 20-20 आधा एकड़ में हमारा माल हफ्ते में 800 केजी 700 के जी निकल, मतलब एक एकड़ में 30-35 टन निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। अगर 30 टन हम लोगों ने पकड़ लिया, एवरेज रेट इसमें कितना मिलता है? एवरेज रेट अभी हमारा शुरू हुआ है तो 25 रुपये, 45 रुपये जी 1 केजी पर मिल रहे हैं। अरे मान लीजिए 10 रुपये पकड़ लीजिए, 30 टन हुआ तभी 3 लाख रुपये मिलेगा, 1 लाख रुपये खर्चा निकाल दीजिए तभी 2 लाख। हमारा जो दूसरा फसल है उसके हिसाब से हमारा गणित है कि एक एकड़ में 3-4 लाख रुपए आराम से मिल जाए। लेकिन लगाने का टाइम सही होना चाहिए। हाँ, लगाने आपके हिसाब से क्या होना चाहिए लगाने का टाइम? लगाने का टाइम नहीं, लगाने का टाइम कौन सा भी हो, लेकिन ये फसल साल भर में बचना चाहिए। अच्छा, तभी पैसा अच्छा होता है, इसमें तेजी मंदी बहुत है। साल भर हमेशा लगाना साल भर नहीं, नहीं एक बार लगाए तो साल भर में रहना चाहिए। अच्छा, 90 दिन बाद फसल चालू हो गई और साल भर रहनी चाहिए, रहना चाहिए, तभी आपको पैसा होता है, नहीं तो नहीं पैसा होता। मार्केट में गिरावट आई तो फ्लॉप होता है। मैंने कई वीडियो ऐसे देखे कि मार्केट में रेट नया और किट बढ़ गए, वो ट्रैक्टर से पूरा रोटर मार के छोड़ देता है। ऐसा नहीं है, साल भर में बचना चाहिए तभी आपको पैसा मिलता है। और आपकी फसल का राज क्या है कि इतनी हाइट है और अच्छी फसल है? अच्छी देखभाल उसको होना चाहिए, सभी उसमें अच्छी देखभाल होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उसका, पेट में जो लगता है। आपको पैसा रात को अच्छा खाना चाहिए, सुबह को उठने से पहले अच्छा खाना होना चाहिए। इसीलिए उसको जमीन में क्या खाना चाहिए, ऊपर से क्या देना चाहिए, ये सब जानकारी चाहिए, तब ये फसल अच्छा रहता है। बारिश में भी इतना ही साल बारिश हुआ तभी फसल हमारा ऐसा रहे। बहुत बारिश हुआ, अभी भी तो बारिश आ रही है, हम शूट कर रहे हैं दोस्तों। बारिश इस साल फार्मर को छोड़ने वाला नहीं, इस साल नहीं छोड़ रहा, ये नहीं छोड़ेगा। तो बहुत ही बेहतरीन मुझे ये फसल लगी, आपके कुछ मैंने बेसिक मुद्दे भी पकड़े कि अच्छे से इसको काम करना चाहिए। और आपने इसमें 3-4 फसल लेने के बाद हिम्मत नहीं हारी, फिर भी आप इसमें फसल लगाते गए अच्छे से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए कि इस फसल में ज़्यादातर शूट बोरर आता है, डिसीज अगर ब्लाइट वगैरह आते हैं तो हमारे चैनल पे आप जाके देख लीजिए ब्लाइट पे कैसे नियंत्रण करना है। उसके बाद काफ़ी सारे डिसीज जैसे होते हैं, स्पॉट ब्लाइट भी आता है, उसको भी नियंत्रण में कैसे करना है वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों मैं इनके साथ आज वीडियो मतलब दिखाने का यही मेरा आज मोटो था कि 3-3 फसल ले रहे हैं, जैसे अभी भी यहाँ देख सकते हैं ये इनकी पुरानी गेंदे की फसल ऐसे ही पड़ी हुई है। इसके बाद इन्होंने लंबी वाली मिर्ची के लिए, और उसके बाद वही बेड पे जो है इन्होंने बैंगन लिया है, और बहुत ही अच्छा फसल यहाँ पे आया है दोस्तों। अभी इनकी फसल जो इतनी हाइट है कि 4.5 फीट तक हाइट हो गई है, और आगे चल के इनको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट 3-4 लाख रुपये हो जाएगा केवल एक एकड़ में। दोस्तों इनकी खेती केवल 2 एकड़ है, 1 एकड़ में बैंगन करते हैं और 1 एकड़ में रेशम खेती करते हैं, सिल्क फार्मिंग करते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों हार नहीं मानना है, चाहे बैंगन हो, चाहे रेशम खेती हो, चाहे भिंडी हो, चाहे जो भी हो, बहुत ही अच्छे से आपको जुटे रहना है। तो सर थैंक यू, आपने थोड़ा बहुत हमको बैंगन की खेती के बारे में जानकारी दी। दोस्तों डिटेल में हम A to Z जानकारी बैंगन के आगे चल के लेके आएंगे, तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हमारा वीडियो जब हम रोकने वाले हैं, तो हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर पावर है। धन्यवाद।